एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहुंच चुकी हूं अपने कॉलेज। वैसे भी मेरी मॉर्निंग की अटेंडेंस छूट चुकी है क्योंकि मैं सोती रह गई और कॉलेज नहीं आ पाई। हमें डायरेक्ट वार्ड जाना था अपने, बट आज हमारी ड्रग प्रेजेंटेशन थी एंड मैं एब्सेंट थी, इसलिए सबके कॉल्स आ रहे थे कि मैम बुला रही है, इसलिए मुझे वापस कॉलेज आना पड़ा। इन सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन हो चुकी है, एक मैं बेवकूफ लड़की हूं जो पता नहीं क्या ही कर रही थी, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। सो कॉलेज के बाद अभी हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने और मैंने खाया पनीर के पराठे एंड चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं अपने वार्ड के लिए जहाँ पे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग है। एंड आज हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग है ट्रॉमा इमरजेंसी कैजुअल वार्ड में। वैसे आज हमारी यहाँ पे लास्ट पोस्टिंग है, एक वीक की पोस्टिंग होती है हर वार्ड में। आज सैटरडे है तो आज यहाँ पे लास्ट पोस्टिंग है। वैसे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, आज थोड़ी सी कम भीड़ है। हमने अपनी पोस्टिंग खत्म की, देन उसके बाद आता है सबसे मुश्किल काम, इंचार्ज मैम से डायरी पे साइन लेना। यार हमारी तो एब्सेंट भी लग जाती है अगर हमने डायरी पे कुछ ऐसा लिख दिया जो काम हमने नहीं किया है। तो पोस्टिंग खत्म की उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज हमारी 2 to 4 कोई क्लास नहीं है। एंड ट्रॉमा में यार ड्यूटी करने के बाद इतनी सारी डेथ देखने को मिलती है। पहले तो बहुत बुरा लगा था जब शुरू में एक दो दिन, ऐसा कि सुबह सुबह आते ही किसी का मतलब किसी की डेथ देखो, उनके जो फैमिली वाले रो रहे हो, बट अब आदत हो चुकी है। बुरा तो लगता है बट ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो क्योंकि मैंने उसको अपने बर्थडे पे पार्टी दी थी, उसने भी मुझे पार्टी दी। और मेरी सिस्टर यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि मेरी 2 दिन की छुट्टी है और मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ। वैसे भी 1-1.5 महीने से मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था, यूट्यूब के इतने सारे काम थे, दिन भर वीडियो ही बनाते रह जाओ। सब बाहर जाते थे घूमने के लिए, बट मेरा क्या है, मैं नहीं जा सकती, बिजी हूँ। सो मैंने उसको बुलाया कि अपन कहीं घूमने चलते हैं और अभी हम तैयार हो रहे हैं। आज जो हमारा प्लान है वो घूमने जाने का इमामबाड़ा, क्योंकि वो सबसे पास में ही है। तो मैंने एक कुर्ती पहनी है, शॉर्ट कुर्ती, जीन्स एंड थोड़ा बहुत मेकअप किया है, तैयार हो चुकी हूँ। और मेकअप करते करते तैयार होते तो थोड़ी गर्मी लग रही थी बहुत, तो मैंने सोचा थोड़ी कूलर की हवा ले ले। वैसे भी बाहर धूप में निकलना ही है, वो तो गुस्सा हो रही थी मेरे पे कि इतनी धूप में क्यों निकलना है, बट ठीक है यार। वैसे भी शाम को वो बंद हो जाता है 5-6 बजे के करीब, तो हम जा नहीं पाते। एंड हमारे यहाँ से ना बिल्कुल पास में ही है, लेकिन पैदल भी आ सकते थे, बट इतनी धूप है कि हमारी हिम्मत नहीं हुई पैदल आने की। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना वैसे मना था, बार बार कोई ना कोई देख ही ले रहा था, बस थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ले ली। वहाँ पे मैंने टिकट्स लिए अंदर भूल भुलैया घूमने का, 50 रुपीज पर पर्सन था। आप लोग ने ऊपर घूम लिया? ऊपर में घूम लिया। बंद है, जो एकदम खराब सीढ़ी होगी वो बंद होगा। चलो चले इसमें एक बार हम लोग आए बस पता है। अभी हम अंदर आ गए हैं और हमारा जहां मन हो रहा है वहां जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इतने सारे रास्ते हैं, घूम फिर के हम उसी जगह पे आ जा रहे हैं क्योंकि हमने कोई गाइड नहीं लिया है। हमारा मन था ऐसे घूमने का, सो हम ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पे यार शाम को आती तो कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी फोटोज आती, हम फोटोज क्लिक करवाते, बट क्या करें, अब धूप में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत तो अब झेलना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाई। अरे कैसे कैसे लोग होते हैं, दीवार पे पूरा नाम लिखा हुआ है कपल्स का, ऐसा लगता है कि नाम लिखने से इनका जो प्यार है ना वो अमर हो जाएगा। और पूरी दीवार गंदी करके रखी हुई है, सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं। थोड़ा बहुत दूसरों के फोटोज क्लिक किए, थोड़े बहुत अपने फोटोज क्लिक किए। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा चल रही थी, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बिताया, उसके बाद हम निकल गए। और ये जो सुरंग आप देख रहे हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि ये फैजाबाद तक जाती है, अब हमें क्या ही पता कि कहाँ जाती है। लगाते थे उधर से, किसी को पता नहीं चले गोली कहाँ से चली थी। ओके ये है, अच्छा ये के बाद हम आपको बताते हैं कि हमने कोई भी गाइड नहीं लिया है क्योंकि वो लोग फालतू के पैसे खर्चे करते हैं। तो एक गाइड है जिनका ग्रुप है, उन्हीं के पीछे पीछे हम लगे हुए हैं।
देखते हैं कब तक हम पकड़े नहीं जाते हैं। फालतू का हाइप बना के रखे हैं ये लोग कि भूल जाएंगे। इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, क्या पता, वो तो जब खोएंगे तभी पता चलेगा। गाइड के साथ जिस ग्रुप के साथ थे वो खो चुके हैं, अभी ये एक दूसरा ग्रुप हमें मिला है तो हम सोच रहे इसी के पीछे लग लें। इतना भटकने के बाद फाइनली हमें बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया, और यहाँ से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा, जिसको शाही बावली ऐसा भी कुछ कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये जो आप गेट के पास पानी देख रहे हैं जिसमें आपको शैडो दिख रही होगी, ये ना इसको कहा जाता है कि पुराने जमाने का कैमरा, क्योंकि हम यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि गेट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसलिए इसको पुराने जमाने का कैमरा कहते थे। ये एक पता नहीं कौन सा रास्ता है जहाँ कोई जा नहीं रहा है, लेकिन हम जाके देखते हैं कि नीचे है क्या। एक इधर रास्ता है और एक इधर रास्ता है। भाई साहब इतना ठंडा है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंडक है, बिल्कुल एसी का काम कर रहा है। जितना जितना नीचे जाओ उतनी ठंडक। दीवारें यहाँ की, दीवारें भी टच करके देखो इतना ज़्यादा ठंडा है भाई। ये तो वही वाला पानी है जो जिसकी परछाई दिख रही थी। ओ भाई ये गेट और ये इसकी परछाई दिख रही थी। हटना जरा, हटना। उधर से देख रहे थे हम लोग और वो रहा गेट। इतना गंदा पानी है, घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इधर बैठे हुए हम पानी के पास, बहुत ज़्यादा ठंडक है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है यार, और अंदर से घूमने के बाद अभी बाहर आके हम सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से अभी मतलब मुझे एक ट्रिक ऐसी पता चली, कोई गाइड बोल रहा था कि आप ना जितना नीचे जाओगे सीढ़ियों से उतना ही आप खोते जाओगे, और जितना आप सीढ़ियों से ऊपर आते जाओगे उतना ही आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। सो इसी ट्रिक का मैंने भी यूज़ किया और बिना गाइड के हम वहाँ से निकल चुके हैं। मैं अपने हॉस्टल आई, वैसे हमारा प्लान था 10:90 जाने का फूड लेन में, बट घर भी जाना था क्योंकि मंडे को भी छुट्टी है तो हम नहीं जा पाए, इसलिए घर जा रही हूँ। बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं बैठने की भी जगह मिलेगी या नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में पूरी बस भरी हुई है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। और मेरी बहन इतनी महान है ना कि हमें बस स्टैंड से आगे ही उतरना था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो कह रही है कोई बात नहीं अब हम स्टेशन पे ही उतरेंगे। तो उसके चक्कर में अभी हम आगे आ चुके हैं और पैदल चलते हुए जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हम ऐसे दोनों एक साथ रहते हैं ना तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करते हैं। एक तो वो बेवकूफ, ऊपर से मैं भी बेवकूफ, किसी भी बात पे हंसते रहते हैं। अगर ना ऐसे कोई कुत्ता सामने सो रहा हो ना, हम उसका भी देख के मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अभी बहुत भूख लग चुकी है, हमें कुछ खाने के लिए मिला भी नहीं। मोमोज के नाम पे मुश्किल से 4 मोमोज मिले। अब पेट तो खुद भर नहीं जाएगा, घर आके थोड़ा बहुत हमने मैगी बनाई, देन चाय पिया, अभी जाके थोड़ा सा पेट भरा है, अच्छा लग रहा है। तो आज ओवरऑल बहुत मज़ा आई। आज के ब्लॉग में इतना ही। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।